नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी मैथ के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। आज जो सॉल्व करने वाले 22/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक की जो शिफ्ट हुई थी उसका एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ, यानी थर्ड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 1 से लेकर 20 तक। तो वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो के एंड। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। यदि मान लीजिए यदि आपके 15+ क्वेश्चन सही हो रहे तो आपकी तैयारी सही, यदि 15 से कम क्वेश्चन हो रहे तो आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर वीडियो आप तक आता रहे। तो पहला क्वेश्चन लीजिए, स्क्रीन पर आ चुका है। और एक बात और क्या होता है, बच्चे बोलते हैं क्वालिटी के लिए, तो क्वालिटी के लिए आपको क्या करना है, क्वालिटी के लिए आप 720 प्रकार के देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो क्वालिटी की टेंशन भी नहीं है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की। 22 पुरुष 2 दिन में 1 दीवार बना सकते हैं, ठीक है। उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। आप देख लीजिए, यदि 22 व्यक्ति रहते हैं तो वो कितने दिन में बना देते हैं, 2 दिन में पूरा बना देते हैं, ठीक है। 22 व्यक्ति 2 दिनों में बनाते हैं तो बोला जा रहा है आपसे उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए। आधा दिन कितना होता है, 1/2 होता है पूरा काम। कितने पुरुषों का, बस यहाँ पर यदि करेंगे कितना हो जाएगा, 44, यहाँ पर 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 4 × 2 = 8, यानी 88 पुरुषों की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन, इसलिए मैंने 15+ का बोला है। कोई भी 1-2 क्वेश्चन टफ भी नहीं, वो मॉडरेट है, ठीक है। यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, ठीक है। कितने की हानि पर, 20% की हानि पर, ठीक है। देखिए, यदि फर्स्ट मेथड की बात करें तो 20% कितना होता है, 1/5, मतलब 5 की चीज़ पर 1 पर हानि। मतलब यदि CP 5 है तो SP कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 4 हो जाएगा, ठीक है। SP कितना हो जाएगा, 4, मतलब 1 की देख लीजिए हानि, यानी 20% की हानि हो गई। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि इसका पूरा मेथड बताना, तो मान लीजिए यदि अपन ने CP माना, ठीक है, कितना, 100, अब इस पर 20% की हानि हुई हो रही है, 20 यानी 20 रुपये की हानि, 100 पे 20 की, तो कितने में बेची, 80 में, तो इसको काटा पीटी कर देंगे, ठीक है। कितना है, 100, और ये कितना है, 80, तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 5 बार, 2 से काटेंगे कितने बार, 4, यानी 5:4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों मेथड मैंने बता दी, जहाँ जरूर रहती वो बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का जो अनुपात है वो 4:7 है। यदि पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा, क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। पहले देख लीजिएगा पानी का, ठीक है, और दूध का जो रेशियो आपके सामने है वो कितना, जल्दी से, 4:7, कितना, 4:7 है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है टोटल दूध आपके सामने कितना है, 110, यदि इसको करें तो ये कितना, 11 नहीं, यहाँ कितना, 110 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 11 × 11, यानी 10 आ जाएगी, ठीक है। यदि अपन पानी की मात्रा निकालना सोचे, पानी कितना था, 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, और इसमें 10 का करेंगे तो यहाँ पर दूध आ जाएगा कितना था, 70, ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिएगा यहाँ पर दूध पानी का पहले कितना था, 4:7 था, अब कितना कर रहा है, 8:7 कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, जल्दी बताइए, पानी वाटर है, ठीक है, और ये मिल्क है, ठीक है, दूध। यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही है, तो मिल्क यानी दूध तो मिला जाए, दूध की मात्रा कैसी है, सेम, लेकिन यहाँ मिलाया क्या जा रहा है, दूध कितना पानी मिलाना चाहिए, पानी मिलाया, तो यहाँ पानी मिलाया कितना जा रहा है, 4, और 1 की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताइएगा, 40, 1 की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताइए, 40 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 40 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो लीजिए, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। चौथा, क्या एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यदि वह 20% छूट देता है तो लाभ या हानि % ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य से मान लीजिएगा CP कितना है, 100 है, ठीक है, इससे जो वो 50% अधिक अंकित करता है, यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, MP, यानी मार्केट प्राइस हो जाएगी 150, क्योंकि 50% ज़्यादा, 150,
फिर बोला जा रहा है कि 20% की छूट देता है, तो छूट किस पे दी जा रही है, इस पर यानी अंकित प्राइस पर, इस पर 20% की क्या दे रही है, छूट दी जा रही है। 10% 15 तो 20% कितना हो जाएगा 30, यानी 30 रुपये की छूट दी जा रही है। तो बेचेंगे कितना जल्दी से बताइए, 120 रुपये में बिकेगी कि नहीं बिकेगी, तो आपसे पूछे जा रहे। तो लाभ या तो यहाँ पर देख लीजिए सी पी कितना है 100 और एस पी कितना हो गया 120, तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है 20 का लाभ हो रहा है, कितने पर 100 पर, इंटू क्या करेंगे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना लाभ हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, 20% का लाभ होगा। तो लाभ कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में, समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये जो आपका था वो क्या था, एस पी था, सेलिंग प्राइस थी, समझ में आया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर लीजिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आपको बताना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भाग दे देंगे तो 5 × 45, ठीक है, 9 × 45 यानी कितना आ जाएगा 500, फिर प्लस का चिन्ह प्लस का लगा देंगे, इसका गुणा हो जाए तो 18 × 2 कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, 20 माइनस इसका 7 का गुणा करेंगे तो 0 × 7 = 7 = 17 = 21 ये आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4100, ठीक है, और ए आप घटा देंगे 2170 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 0, इसको मैं 10 में से 7 जाएगा 3 एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 2, तो 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ पर 1 4 3 यानी 1930 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर, यदि पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है, तो क्यू पी का जेड बटा 3% है, तो जेड का मान आपको बताना, जल्दी से बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। छठवां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले पी का 35%, तो पी का क्या करेंगे 35% है तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। और क्यू के 60% के बराबर है, क्यू के कितने परसेंट के बराबर 60% यानी बटे में 100, तो यहाँ पर काटा पीटी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 0 से 0 100 से 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, तो यहाँ पर पी इंटू क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो ठीक है ये क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 12 × 7 = 84 क्या आ जाएगा एलसीएम, 7 से काटेंगे 12 बार और 12 × 7 = 84 ये आ जाएगा इनका अनुपात, ठीक है। तो यानी पी की जो वैल्यू 12 है, क्यू की वैल्यू कितनी जल्दी से बताइएगा 7 है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ आते हैं, क्यू क्यू कितना है 7 है, ठीक है, बराबर पी पी कितना है 12 है इंटू जेड बटा तीन और यहाँ पर परसेंटेज है, तो परसेंटेज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी अपन काटा पीटी कर सकते, इतनी बात आपको समझ में आ गई, कुछ भी नहीं किया, ओनली अपन रखा, देखिए यहाँ पर पी क्यू का मान अपन ने 7 रखा, पी है तो पी का मान 12 इंटू का मतलब गुणा होता है जेड, जेड लिखा 3/100 क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत है, ठीक है। तो अब 3 × 3 = 12, 3 × 3 = 3, ठीक है, फिर 4 × 4 = कितनी बार जाएगा 25 बार, तो 25×5 = 25 कितना होता है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 175, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया, वो एक एक स्टेप करके आपको समझाया है। तो अगला क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर आ चुका है 7वां, तो जल्दी से 7वें क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा, देखते हैं 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देख लीजिएगा सबसे पहले यहाँ पर भाग होगा, तो देखिए 49 है, फिर गुणा कितना है 4 और भाग कितना आ जाएगा आपका 28, ठीक है, फिर क्या है प्लस प्लस, देख लीजिए यहाँ पर 7 × 8 क्या हो जाएगा 56, ठीक है, 7 का यहाँ पर डायरेक्ट भाग देते हैं, 7 × 8 = 56, ए इंटू क्या है 8 है, ठीक है, फिर माइनस है 28 का इसमें भाग देंगे, 28 का वर्ग आपको पता है 784 होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा 28 ही बार भाग जाएगा, प्लस करेंगे और 14 × 2 कितना हो जाएगा ये आपका 28 हो जाएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 8 × 8 कितना हो जाएगा 64, 4 × 7 = 7 बार जाएगा, 7 × 7 = 7×7 = 49, मतलब यहाँ पर 7 बचा, ये 8 × 8 कितना हो जाएगा 64, ये पूरा कट गया, यदि इनको जोड़ देंगे तो आपका जो राइट आंसर वो 71 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने है, ठीक है, समझ में आया। बड़े अगले क्वेश्चन को डायरेक्ट में करवा चुका हूँ, क्वेश्चन ए आपको समझा इसलिए थोड़ा सा टाइम लगने, तो सेकेंड डो में आंसर आते वो आपको पता है।
अगला क्वेश्चन आठवां आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आठवें क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन क्या है, एक कार ने अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर धीमी करनी पड़ी, तो कार की सामान्य चाल बतानी। अब देखिए, यदि वो पहले नहीं चलता तो ये कम नहीं करनी पड़ती, वो 42 मिनट पहले चला तभी तो उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम करनी पड़ी कि आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं, अपन पहले निकल चुके, आराम से जाएंगे। यदि बाद में, ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में, क्योंकि पहले निकले इसलिए उन्होंने चाल कम किया है। तो यहाँ पर आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं, मान लीजिएगा ए, यदि निर्धारित चाल, ठीक है, वो 60 की चाल से जाता, मान लीजिएगा पहले वो जा रहा था 60 की चाल से, फिर 10 कम किया यानी कितने की चाल से जाएगा, 50 की। तो यहाँ से अपन रेशियो ए क्या है बताइए, चाल का रेशियो, यहाँ से अपन समय का रेशियो निकाल सकते हैं, इनका क्या उल्टा हो जाता है, यानी 50 अनुपात क्या हो जाता है 60, 0 से 0, तो 5 और 1 6, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर, लेकिन यहाँ देख लीजिए कितने का बताइए, 42 का, ठीक है। तो 42 मिनट पहले गया इंटू क्या कर देंगे, जल्दी से बताइएगा, 1 और इंटू 5, तो 5 का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 20 और 1 21, यानी 210 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, 210 देखिए किलोमीटर, तो यही क्या हो जाएगा आपका, बाय ऑप्शन आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यदि आप बेसिक से लगा से थोड़ा सा टाइम लगता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन हुआ भाई स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर, जिसे संभव त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। उस संभव त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना है 16√3 सेंटीमीटर है। तो इसका देखिए, यदि आपको भुजा पता ए मान लेते तो इसका क्या होता है 3/4 क्या होता है 4 और ए का स्क्वायर होता है बराबर आपके सामने दिया हुआ है 16√3, ठीक है। ए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ, यहाँ पर आप काटा पीटी कर सकते हैं, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाए, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16 कितना होता है 64, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 8, वो ये आपसे निकालना था, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना है जी, यदि आपको सूत्र याद नहीं था तो आप कभी कर भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, 1500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए 12% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और ब्याज क्या है वार्षिक रूप से संयोजित है पर निवेश किया जाता है, तो धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए राशि कितनी है आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, 15000 है, और कितने साल के लिए 2 साल के लिए, ठीक है। तो 2 साल की कितने परसेंट की दर से 12%। अब यहाँ पर आपको देखिए, एक तो बेसिक तरीका क्या है इसका, 12% आप इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 0 12 5 क्या हो जाए 60, 6 12 6 18 कितना निकला 1800। तो पहले साल कितना है 1800, दूसरे साल भी 1800 रहेगा, लेकिन दूसरे साल इस पर भी ब्याज तो लगेगा कितने परसेंट 12%, तो यहाँ पर भी आप 1800 का 12% निकालेंगे। ये बेसिक तरीके में बता दूंगा कैसे निकालना जल्दी, 12 8 कितना होता है 96 होता है, यहाँ से लाइन 9, 12 9 कितना हो जाएगा 21 कितना हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा कि 12 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और एक क्या हो जाएगा 21 होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा 216, ये कितना निकल आएगा जल्दी बताइए 216, यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 18 2 कितना होता है 3600 हो जाएगा, नहीं भैया, और ये 216 है तो इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, 6 1 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 3 और तो 3816, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्पीड में भी क्वेश्चन आपको करना था, तो देखिए इतना करने की जरूरत, ये आपको पता है कितना परसेंट निकालना है 12%, तो देखिए 10% कितना हो जाता है, देखिए 1500 होता कि नहीं होता, 10% और 2 15 2 क्या हो जाता है 30, ये देखिए 15 2 30 1500 और 300 जोड़ते कितना आ जाता है 1800, ठीक है, इस प्रकार से 1800 आ जाता है यदि स्पीड में क्वेश्चन करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कौन सा क्वेश्चन है, 11वां आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर एक बार आप देने की कोशिश करिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए सबसे पहले इसका कर देंगे गुणा, तो 12 2 24 12 3 36 हाँ से लें कितने 3, 12 और 3 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए किसका चिन्ह है प्लस का, प्लस लगाएंगे इसका इसमें गुणा करें तो 11 2 22 हाँ से लें 2 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 यानी 132 आ जाएगा। फिर क्या है माइनस है, माइनस लगाएंगे 15 4 कितना होता है 60 का सुन हाँ से लें 6 15 और 6 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 21, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे इसका भी गुणा कर दिया, अब इसका भी 13 नंबर कितना होता है 117 होता है। फिर क्या है प्लस है तो प्लस लगाएंगे और इसका भी गुणा कर देंगे 15 नंबर 135 हासिल कितने आ जाएंगे 13 15 इसमें 15 एकम 15 जोड़ देंगे 8 और 2 28
यानी 285 आ जाएगा। ठीक है, ए अपन ने गुणा कर दिया। अब इसमें क्या करना है आपको, जोड़ना घटाना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो आप जोड़ घटा सकते हैं, क्या क्या जोड़ेंगे जल्दी से बताइए। देखिए 156 जुड़ेगा, 132 जुड़ेगा और 285 जुड़ेगा। यदि इन सबको आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 573 आ जाएगा। और घटाना क्या है ये दोनों, तो ये देखिए 200 और 100 कितना हो जाए, 310 और 727, यानी 327 को आपको घटाना है। तो 327 घटाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। इसको माने कितना, 13, 13 में से 6 जाएगा तो बचे, 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ एक बढ़ जाएगा 3, तो 4 में जब 3 जाएगा तो कितना बचे, 7 में से तो 4 बचेगा, एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, ये कितना 246, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आपको आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, गुणा करना था और कुछ भी नहीं था। लीजिए 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 12 संख्याओं का औसत 60 है, प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब देखिए टोटल यदि निकालें तो 12 संख्याओं का औसत आपके सामने कितना है, 60 है। ठीक है, तो इसका गुणा करें, 0 आएगा, 12 ही छम कितना होता है, 12 पंच 60, 12 छम 72, टोटल आपके सामने कितना आएगा, 720 है। फिर ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर क्या बोला, प्रथम 5 संख्याओं में 12 घटाना है, कितने संख्याओं, 5 संख्याओं में 12 क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो 12 पंच 60 यानी घटाना है। फिर अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ना है, यहाँ पर अब 7 संख्याओं में क्या करना है, 10 जोड़ना है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 70 जोड़ना है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, प्लस का 10 बचेगा, तो 10 इसमें अपन ऐड कर देंगे तो ए आपका हो जाएगा 730। टोटल संख्याएं कितनी है, 12 है। ठीक है, कोई घटा बढ़ा थोड़ी कर रहा है, 12 है। तो 12 ही छम कितना होता है, 72 होता है, बचेगा एक 12। ठीक है, 12 बचाए तो एक 0 आएगा दशमलव, तो 12 अट्ठी कितना होता है, 96, बचा 4, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, 12 तीन 36। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, कुछ था, बिल्कुल नहीं था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 13वां, तो जल्दी से इस 13वें क्वेश्चन का आंसर एक बार देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0.5 है। ठीक है, फिर भाग का चिन्ह है, जब इसको गुणा करेंगे तो 525 हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, गुणा में पॉइंट जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.25 आएगा। ठीक है, पहले अपन इसी को सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ, तो ये क्या है, 0.5 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 0.25 आएगा। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट से एक पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक 25। ठीक है, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, यानी यहाँ पर कितना ऊपर आ चुका है 2। अब नीचे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, भाग होगा तो एक आ जाएगा, और जब एक आएगा, देखिए यदि इसका इसमें भाग देंगे तो एक आएगा, और एक का गुणा करें तो 0. कितना होगा, 5 होगा, और ऊपर कितना था, 2 था, तो ये पॉइंट यदि हटाना तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 लगा देंगे और ये पॉइंट हट जाएगा, तो 5 से काट देंगे, आपका जो राइट आंसर 4 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आपको बिल्कुल आ चुका होगा, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लीजिए 14 में आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाइएगा। देखिए यदि पी का पी प्रतिशत 225 है तो पी वर्ग, ठीक है, या पी का स्क्वायर का मान कितना होगा। अब देखिए पी का मतलब गुणा का प्रतिशत, यानी पी बटा क्या हो जाएगा, 100, कितना दिया हुआ है, 225, तो 100 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो पी में पी का गुणा करें तो पी स्क्वायर हो जाएगा, 100 का गुणा करें 225 और 20 चला जाएगा। यही तो आपसे पूछा है, आपका आंसर आ गया। कुछ था क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं था, कितने इजी क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा रहे हैं, मैं मन से बना के तो ला नहीं रहा, नहीं तो आप बोल सकते थे कि आप मन से बना के इजी क्वेश्चन बता रहे, इजी क्वेश्चन नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन है और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। 28% की छूट के बाद एक वस्तु 1008 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। अब देखिए कितना हो रहा है, 28% का, जल्दी से बताइएगा क्या हो रही है, छूट दी जा रही है। तो यानी यदि 28, देखिए इसका बेसिक तरीका तो यही है, क्या करेंगे, 0 से 7 से 4 से काटेंगे, 4 से कितना 28, 4 से काटेंगे कितने बजेगा, 25 बार, यानी 25 रुपए में 7 की छूट दी जा रही है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, 18, लेकिन 18 में नहीं, बेची कितने में जा रही है, जल्दी से बताइएगा, 1008 में, कितने में बेची जा रही है, 1008 रुपये में, इससे कितने गुना ज़्यादा है, 18 पंच कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, बच्चा 10, 18 छक्के 108 यानी 56, तो इसमें भी क्या कर देंगे, 56 का गुणा कर देंगे तो ये आपका अंकित मूल्य निकाला है। तो 25 छक्के कितना होता है, 150, हासिले कितनी आ जाएंगी, 15, 25 पंच कितना होता है, 125, इनको जोड़ेंगे, 5 और 5 10 का सुना, 1 3 और 1 4 और 1 1400, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, 16वां क्वेश्चन सामने है,
तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुना हो जाती है और समान धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी होगी, जल्दी से बताइएगा। देख लीजिएगा एक दर कितना हो रहा है 14 वर्षों में, तो यहाँ पर आप क्या क्या निकालना है, जल्दी कितने इतनी गुनी हो रही, तो यहाँ पर दर निकालना है, ठीक है। तो दर क्या होता है SI, तो SI कितना है, जल्दी 3.5 गुना हो रही इंटू क्या कर देंगे 100, कितने वर्षों के लिए 14 वर्षों अपन जो मूलधन मान लेते हैं, ठीक है, वो एक मान लेते हैं, तो यहाँ 10 देखिए ये पॉइंट हटाना तो ये 10 आ जाएगा, तो पॉइंट है तो हट चुका है। 7 से काटेंगे कितने बार जाएगा 5 से, 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 5 से काटेंगे कितने बार 2 × 2 = 4, तो 4 से जब 2500 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। 2 × 2 = कितना हो जाए 4, तो 25 × 4 = 100, दर निकाल ली। तो आपसे पूछे 28 वर्षों में कितनी होगी समान ब्याज दर पर, तो कितनी गुनी होगी, ठीक है, ये आपसे पूछा है, तो देखिए कितनी गुनी होगी, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए 1 रुपया अपन ने वो मानी थी, ठीक है, क्या माना था मूलधन, अब कितने परसेंट 25% की दर से और कितने सालों में 28 सालों में कितनी गुनी होगी, तो यहाँ बटे में क्या कर देंगे जल्दी से बताइएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 7 बार, तो 7 × 7 ये हो गया, तो 7 गुनी ऑप्शन है आपको दिख रही नहीं, लेकिन एक जो है वो क्या है मिश्रित निकला, ठीक है, तो ये आपका 6 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, 17वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए अनुपात समानुपाती है, कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछ, यदि 4t = 5u है तो कोष्टक t + u / t में t का मान ज्ञात करना है, तो देखिए कितना है 4t = 5u, तो इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर टी अनुपात यू का निकल आएगी, ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी बताइएगा, एलसीएम आएगा 20, 4 से काटेंगे कितने बार जाएगा 5 बार और 5 से काटेंगे 5 × 20 ए निकल आया, तो देखिए अब आपको टी का मान कितना जल्दी बताइएगा 5 है, ठीक है, फिर है प्लस और यू का मान कितना है 9 और अब बटे में कितना है टी का मान कितना है 5, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या मिस्टी ये 4 था, ठीक है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9/5, यही तो अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन को लीजिए, अगला क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 18वां क्वेश्चन है, जैसे कि आपके सामने एक व्यक्ति को 5687 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे व्यक्ति को किस मूल्य पर बेचना होगा, कितने परसेंट की हानि हो रही, 10% की हानि हो रही, ठीक है, 10% बराबर क्या होता है 1/10 होता है, यानी 10 रुपये की चीज़ पर एक की हानि 9 रुपये में बेची गई होगी, 9 में नहीं बेची, यहाँ पर बताया जा रहा है 5687 में बेची जा रही है, कितने में बेची जा रही है 5688, तो 9 × 9 = 54, बचा कितना 2 × 9 = 27, बचा 1 × 9 = 18, इतने गुना ज़्यादा है तो इसमें भी गुणा कर देंगे 632 का, ठीक है, जब 632 का गुणा करें तो ये आपकी राशि आ जाएगी, ठीक है, ये क्या है जल्दी से बताइएगा, मूलधन है, ये मूलधन यानी कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है, किराए मूल्य, तो इतने में खरीदी इतने में बेची थी तो हानि हो रही थी, लेकिन इतने की खरीदी, फिर बोला जा रहा है कि 20% का लाभ कमाना है, तो 20% इसका क्या होगा जल्दी ये देख लीजिएगा, ये 10% होगा 632, 10% कितना 632, तो 20% 2 का गुणा करें 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, यानी 1264 अपन जोड़ देंगे, किस में जोड़ेंगे 6320 में, कितना जोड़ना आपको 1264 को जोड़ देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 4, 6 × 2 = 8, 3 × 2 = 5 और 1 = 7, यानी 7584 बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ाएं अगले क्वेश्चन को, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, तो लीजिए 19वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से 19वें क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, जल्दी से चुटकियों में क्वेश्चन उड़ाइएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, एक कक्षा के 19 विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो इन 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। अब देखिए क्या 19 विद्यार्थियों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी 22 थी, तो इसका गुणा कर 19 × 2 कितना होता है 38, हासिल है 3, 19 × 2 = 38 और 3 क्या हो जाएगा 41, यानी टोटल जो हो जाएगी 441, लेकिन एक विद्यार्थी शामिल हो रहा है उसकी उम्र कितनी जल्दी से बताइएगा 42 वर्ष, तो 42 अपन इसमें जोड़ देंगे, 8 × 2 = 10, 4 × 1 = 5 और 1 हासिल लेंगे 6 और 1 = 4, तो देखिए पहले विद्यार्थी कितने थे 19, एक जोड़ा तो कितने हो गए 20 हो गए, हो 20 तो 20 कैसे भाग दे देंगे, अपना नया रेशियो आ जाएगा, मतलब अनुपात आ जाएगा, 2 से 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटें
ये दो दूनी चार और दो तीन छः यानी 23 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है, जल्दी से इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक के सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिएगा। आपके सामने आ चुका है 20वां क्वेश्चन, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में पूरा कर सकता है, दिनेश और राहुल मिलकर उसी काम को 48 घंटे में कर सकते हैं, राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं, तो तरुण अकेला उसी काम को कितने घंटे में कर पाएगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको टोटल भर के निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दिनेश अकेले जो कार्य करता है वो कर पाता है 96 घंटे में, फिर दिनेश और राहुल यदि कार्य करते हैं तो उसको 48 घंटे में ख़त्म कर देते हैं, फिर राहुल और तरुण, ठीक है, राहुल और यदि तरुण कार्य करते हैं तो कितने घंटे में, 16 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे जल्दी से बताइएगा, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 96 आएगा। तो देखिए दिनेश एक कम 96 कम 48 दूनी कितना होता है 96, 16 पंचे 16 छक्का 96। यहाँ से आपको यह पता चल गया दिनेश एक कार्य करता है, दिनेश और राहुल एक दिन में 2 कार्य करते हैं, राहुल और तरुण 6 कार्य करते हैं। तो यहाँ से आप सबका काम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दिनेश एक कार्य करता है, दोनों मिलकर 4 करते हैं। दिनेश यदि एक करता है तो एक कार्य कौन करता होगा, राहुल करता होगा। यदि राहुल एक कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 5 करते, तो तरुण कितना कार्य करता होगा, 5 कार्य करता होता है। यहाँ से आपको पता चल गया, एक यदि दिनेश एक दिन में 1 कार्य करता है, ठीक है, राहुल एक दिन में 1 कार्य करता है, और तरुण जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 कार्य करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा तरुण अकेला टोटल काम कितना है, 96, टोटल काम 96 है, और तरुण जो करता है वो एक दिन में 5 कार्य करता है। इसको काटा पीटी कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बचा कितना 4, 5 नम कितना हो जाएगा 45, बचा कितना 1, तो 0.05 × 10 यानी 19.5 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाए, एक एक पॉइंट आपको समझाया। तो जल्दी से यदि दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री आप पोस्ट क्लास इसी प्रकार होती रहेंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार हो, और अपने दोस्तों के शेयर भी करिएगा। और यदि आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट करेंगे, लोधी कैंपस OPSCL, ठीक है, सभी दोस्तों के मोबाइल में सर्च करके यूट्यूब पर और चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं, मिनिमम यदि 5 या 10 तो आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं, इतने तो आपके फ्रेंड ऐसे होते होते हैं, ठीक है, तो इतना तो आप बिल्कुल आराम से करवा सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।